यो व्हाट्स अप गाइस, तो आगे आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वसलैंड की एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है बिकॉज क्योंकि आज हमारे वसलैंड सर्वाइवल में पहली बार काफ़ी सारे ऐसे जगहों पे अटैक हुआ है जिनको हमें सुरक्षित करना है। और सबसे पहले तो हमारे टाउन पर ही अटैक हुआ है, तो सबसे पहले हम अपने टाउन को बचाएंगे। उसके बाद हम काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस पे जाएंगे जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को किल भी किया गया और हमें उनको बचाना है। और शेरिफ ने हमें ये टास्क दिया है, तो हमें शेरिफ से जाके कॉन्टैक्ट करना है। इससे पहले हमें उन लोगों को बचाना है और शेरिफ को रिपोर्ट करना है। तो ये व्हाट्सअप गाइस, सबसे पहले हम अपने टाउन पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे टाउन के ऊपर अटैक हुआ है। तो हमें इन सारे गैंगस्टरों से लड़ना है, और ये पता नहीं क्यों लेकिन इन्होंने अचानक से तुम्हारी भैंसिया के टांग ऐसे कैसे हमारे टाउन पे, तुम बताओ क्या करने आए हो यहाँ पे। लेकिन ऐसे ये लोग कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है, लेकिन ये सारे पूरे पूरे टाउन के अंदर तोड़फोड़ मचा के इन्होंने रख रखा है। तो हमें बस इनसे पूछताछ करनी है, इनको जैसे भी उनसे बचना भी है। अगर ये हमें मारते हैं तो हमें इन्हें किल भी करना है। तो एट द एंड गाइस, फाइनली मैंने अपने टाउन को तो सुरक्षित कर लिया है, बट यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके मैं सर्वाइव करता था और अपने लिए काफ़ी सारी चीज़ों को ढूंढता था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, मतलब काफ़ी सारे जगहों पे अटैक भी, और काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे काफ़ी सारे लूट को चुराया गया है। तो हमें उन सारे लूटों को वापस भी लेके आना है, लेकिन वो तो हम करेंगे नेक्स्ट वाली गेम प्ले वीडियो में जो कि कल आएगी। लेकिन आज के इस गेम प्ले में हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि किस किस जगहों पे क्या क्या चीज़ों को लूटा गया है। और आज इतना ही नहीं, उन सामानों को हमें साथ में ढूंढना भी और हमें उन्हें वापस भी करना है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी ये गैंगस्टर थे इनके पास से मैंने कुछ चीज़ों को छानबीन करी इनकी बॉडी से, और इनके बॉडी से हमें एक मैप का पीस मिला है। तो हम सबसे पहले उस मैप का पीस लेके उस जगह को फाइंड करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं गाइस यहाँ पे आता हूँ। आने के बाद इन्होंने इस जगह पे डायनामाइट भी छा रखा है और इसको ये ब्लास्ट भी करने वाले हैं। लेकिन इनके ब्लास्ट में इनके कुछ साथी घायल हो चुके थे और ये लोग उसी के ऊपर, मतलब इनको लगा कि मैंने उन ब्लास्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने ना यहाँ पे जितने भी लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे उनका सामान तो चुराया, साथ में ये डायनामाइट भी ब्लास्ट कर दिया ताकि मेरे को यहाँ से सबूत ना मिल पाए और मैं उन लोगों तक पहुँच ना पाऊँ। और मैं यहाँ पे छानबीन कर ही रहा था तभी मेरे को अचानक से ये बंदा दिखता है। ये बंदा तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, ये इन लोगों ने बियर को पाल के रखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और ये मेरे पीछे ही पड़ गया। तो मेरे को इससे फाइट करके इसको हराना पड़ेगा, वरना गाइस ये मेरे को यहीं पे पकड़ के खा लेगा और इसे पता भी नहीं चलेगा इसने क्या खाया और डकार तक नहीं लेगा। तो फटाफट से सबसे पहले मैं इसको किल करने वाला हूँ। इसका नाम गोजिला बियर है जो काफ़ी ज़्यादा भयंकर, इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि आपका एक बाइट में ही आपकी पूरी मुंडी खा सकता है। तो आपको इससे बच के रहना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे मैं आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो मैं इनसे पूछ रहा होता हूँ इस बंदे से, तो लेकिन इस बंदे ने कहा कि सबसे पहले मेरे को बचाओ, उसके बाद ही ये हमारे सवालों का जवाब देगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल इसके पीछे छोड़े गए हैं ताकि इसको मार दिया जाए, लेकिन मैं इसको बचाने वाला हूँ और इससे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और यहाँ से क्या चीज़ें चोरी हुई और ये यहाँ पे कर क्या रहा है सबसे पहले बात इस डेड बॉडी के साथ। और इसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को गाड़ा भी है, तो यहाँ पे मैंने इसे एनिमल से बचा लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक ऐसा एनिमल है जो कि इसे मार सकता है। तो गाइस इससे मैंने सारे सवालों को जवाब पूछ लिया और इसने मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके मैं इसके दोस्त को बचाता हूँ जो कि यहाँ पे इनको लटका दिया जाता है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास ही होता है, लेकिन ये डर के मारे भाग जाता है। तो इससे बाद में पूछताछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे लड़ते हैं। और ये शूटर्स वगैरह हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं शूटिंग करने, मतलब शूटिंग के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। लेकिन फाइनली मैं इनसे इन पीछा तो छुड़ा लेता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे बंदा होता है वो डर के मारे भाग जाता है। तो हमें उसे भी ढूंढना है और देखना है कि हम क्या क्या चीज़ें लूटी गई हैं। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करते, यहाँ से हमें काफ़ी सारी विस्की की बोतल मिलती है, तो इससे पता चलता है ये चोर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे। तो यहाँ पे मैं इस एनिमल पे फायर कर रहा होता हूँ और गलती से इस बंदे पे फायर हो जाता है और ये बंदा भी मर जाता है। मतलब जो हमारे सारे सबूत थे ना, ये एक एक करके गायब होते जा रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या ही चीज़ हुआ था कि हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं केव के अंदर जाता हूँ, मुझे लगता है केव के अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो मेरे को इस केव के अंदर से छोटे से छेद से मेरे को एक बड़ी सी पोटली दिखती है। इस पोटली के अंदर मैं देखता हूँ छान के कि मुझे क्या मिलता है। तो फटाफट से इसको ढूंढते हैं और इसके अंदर देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो जैसे ये पोर्टली ओपन हुई, इसके अंदर से हमें कुछ आयरन के पार्ट्स मिले, मतलब आयरन गन मिले, और मतलब कह सकते हो। तो इसके अंदर से हमें कुछ उतना खास मिला नहीं है, तो अभी हमें पता नहीं चला किस तरीके से क्या चीज़ हुआ है के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे पट रहे थे, लेकिन मैं भी स्नाइपर लेके आ चुका था इस बार, और स्नाइपर से इन सब पुंगी बजाने लगा, लेकिन
लेकिन एक करके इन सारे को मेरे को ढेर करना पड़ेगा क्योंकि ये जवाब तो देने वाले नहीं है। तो ये मैं काफ़ी दूर भाग के आ चुका था एस्क्रो आइलैंड पे, जहाँ पे मेरे पीछे काफ़ी सारे गैंगस्टर पड़े हुए होते हैं, लेकिन मेरे को इनसे फाइट तो करना ही होता है, बट मेरे को जानना होता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया और इतने सारे लूट को इन्होंने कहाँ पे छुपा के रखा है। तो मैं उस लूट वाले प्लेस को ढूंढ रहा होता हूँ और वो लूट वाला प्लेस ऐसा है ना, मतलब आप देखोगे तो इतना सारा इन्होंने लूट छुपा रखा था वहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इस पेटी से छानबीन करा था, मेरे को इसको लेके जाना पड़ेगा सैरिफ टाउन पे, जहाँ मैं इसको तुड़वाऊँगा और इसके अंदर से देखेंगे क्या निकलने वाला है। तो वह काफ़ी ज़्यादा पूरा हुआ हमारे बैग में लेके नहीं आता और मेरे को नहीं मिलता, और यहीं पे मेरे को दूसरी जगह पे ये एक और बॉक्स मिलता है जो कि हमें सैरिफ टाउन में ही जाके इसको अनलॉक कराया जाता है क्योंकि इसका लॉक हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे को दूसरा बॉक्स भी मिलता है जिसको मैं नहीं ले पाता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को किसी न किसी तरीके से इस बॉक्स को ओपन करवाना पड़ेगा सैरिफ टाउन जाके, और सैरिफ को रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बॉक्स मेरे को दीवार से दिखता है, तो यहाँ पे मैं इस दीवार को तोड़ता हूँ डायनामाइट लगा के, और यहाँ पे जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट होता है सारी दीवार तो टूट जाती है बट हल्का सा डैमेज होता है, और यहाँ पे मेरे को मिलता है कुछ क्रोमाइट और मिलते हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं थे। तो मैं यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ और एक दूसरी लोकेशन पर पहुँचता हूँ जहाँ पर काफ़ी सारे गैंगस्टरों ने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर किल कर रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद गाइस यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे मरे हुए बंदे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक वैगन मिलता है और उसके अंदर से मेरे को काफ़ी सारे सबूत मिल सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमें वैगम मिलता है जिसको हमें यहाँ पे छानबीन करनी है इस वैगम के अंदर से क्या निकलता है, और इस वैगम के अंदर से हमें मिलता है काफ़ी सारे चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ फिश मिलते हैं, तो यानी कि ये समुद्र के आसपास के कहीं एरिया पे ये लोग छुपे हुए थे। और यहाँ पे काफ़ी देर बाद यहाँ पे चलता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मेरे पास तीन बाउंसर मेरे पीछे लग जाते हैं और इन बाउंसरों से मेरे को फाइट करना पड़ेगा, और आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये मेरे को मारने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने इनका राज जान चुका हूँ। तो जैसे ही मैं इनके एरिया पर पहुँचूँगा, मतलब ये एक ऐसे प्लेस पर छुपे हुए हैं सारे लूट लेके, ये छुपे नहीं, ये वहाँ से भागने वाले हैं हम ऐसा कह सकते हैं। तो मेरे को फटाफट से इनके पीछे पीछे इनको किल करते हुए भी आगे बढ़ते रहना है क्योंकि जैसे इन लोगों ने मेरे को पकड़ा है वैसे ही मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरे पीछा पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे, लेकिन जो मेरे पास पिस्तल है ये इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं देती कि मैं इनको मार पाऊँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं इनसे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये लोग मेरे को बचना नहीं चाहते, मतलब ये लोग मेरे को मारना ही चाहते हैं। तो एट दी एंड गाइस काफ़ी देर बाद हमने इनसे तो मैं निपट गया था, लेकिन उतनी देर में एक और आ जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे आर्चर आ जाते हैं और इन आर्चरों से मेरे को निपटना पड़ेगा वरना ये तो मेरे को निपटा ही देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो फाइनली हमने सारे आर्चरों को डाउन कर दिया, और जैसे ही मैं आर्चरों को डाउन करता हूँ यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे ऐसे घोड़े मिलते हैं जिनको इन्होंने मार दिया था, और इसके अंदर से मेरे को काफ़ी सारे हॉर्स के पार्ट्स मिल सकते हैं जिससे मैं अपने हॉर्स अस्तबल को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इनके साथ मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है कि मेरे को यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी लूट भी मिल जा रही है, लेकिन मेरे को अभी एक लूट ऐसी मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वहाँ पे हम जाएंगे तो हमें काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका लूट सिर्फ हमें मिलेगा। तो हमें कुछ उसमें से सैरिफ को वापस पहुँचाना है जिन्होंने लूटा, और जो इनकी लूट होगी उनको मैं वापस अपने टाउन पर लेकर आऊँगा। तो वेट करना है ऐसे कल वाली वीडियो को क्योंकि कॉल वाली वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और यहाँ पे देखते हो ऑनलाइन प्लेयर भी इसके पीछे पड़े हुए, मतलब जो लूट है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक मेरे को जब पहले करना मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे को एक लूट मिली थी, तो मैंने उसकी वीडियो डाल रखी, वीडियो को एंड में डाल दूंगा, काफ़ी ज़्यादा पुरानी वीडियो है जिसके अंदर मेरे को काफ़ी सारी लूट मिली थी। अब ऐसा दूसरा पल आने वाला जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी ऐसे लूट मिलने वाले हैं जो कि मेरे को आज तक कभी भी नहीं मिला। लेकिन गाइस उससे पहले जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी हर एक वीडियो पर कमेंट करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट उनके जो कमेंट है उनके मैंने वीडियो को एंड में डाल दिया, आप सब देख लो, जैसे कि हमारे संदीप भाई, न्यूरोक्स भाई और ये रोहित भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।